दोस्तों क्रिकेट के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, मैं आपको बहुत कुछ बोलने के प्रयास करता हूँ। क्रिकेट के सीक्रेट, क्रिकेटरों के सीक्रेट, वैसे ही क्रिकेटरों की और एक सीक्रेट मैं आपको आज बताऊंगा। और यहाँ पे मैं कहूंगा कौन से वो क्रिकेटर है जो कि पहले स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो कि खराब आदत है वो करते थे। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़ना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों एक क्रिकेटर के लिए फिटनेस सबसे पहले होता है, उसके बाद होता है क्रिकेट में अपना टेक्निक और अपना परफॉर्मेंस। और ये टेक्निक परफॉर्मेंस या फिर जो अपना स्टेमिना होता है उनको बूस्ट अप रखने के लिए कोई भी बैड हैबिट कोई भी क्रिकेटर के लिए एकदम हानिकारक होता है, उनका क्रिकेटिंग करियर खत्म कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे जाने माने पॉपुलर क्रिकेटर थे जिनको ऐसे खराब ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का आदत था। जी हाँ दोस्तों, ये लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नाम अगर किसी का आता है तो वो है युवराज सिंह। जी हाँ, युवराज सिंह को बहुत बार देखा गया है पार्टिंग करते हुए। जी हाँ, लेट नाइट पार्टी युवराज सिंह बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था। और उनका ड्रिंकिंग का जो हैबिट है वो पहले बहुत था, और धीरे धीरे उनको ये घटाना भी होता है, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस लेवल को बहुत कम कर रहा था और पीछे ढकेल रहा था उनका ये ड्रिंकिंग हैबिट। एक बार ऐसा भी हुआ था बॉलीवुड के एक पार्टी में वे नशे में धुत भी हो गए थे। हालांकि पिछले कुछ साल से युवराज सिंह ये सब खराब आदत एकदम छोड़ चुके हैं। दोस्तों इस लिस्ट में अगर दूसरा नाम आता है तो वो है केएल राहुल। जी हाँ, केएल राहुल क्रिकेट के बाहर अगर कहा जाए तो आरबीआई के एक एम्प्लॉई है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केएल राहुल कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और उनके साथ क्रिकेट से बाहर यानी क्रिकेट मैदान के बाहर बहुत सारे इश्यूज चल रहा था। वेस्ट इंडीज टूर पे उनका एक पिक्चर वायरल हो गया था जहाँ पर वो बोतल से बियर पी रहे थे। बाद में केएल राहुल ने एक्सेप्ट किया कि उनका कुछ ड्रिंकिंग हैबिट था जो कि बहुत खराब था और वे अभी सब छोड़ चुके हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर कोई आता है तो वो है हमारा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर जी अपना जो ऑटोबायोग्राफी है वहाँ पर लिखे हैं कि मैं एक समय ड्रिंकिंग करता था लेकिन मैं हद से ज्यादा कभी नहीं बढ़ा। और सचिन तेंदुलकर जी को बहुत बार देखा गया है ऐसे ड्रिंक्स हाथ में लेकर, बहुत पार्टी पे या फिर फ्लाइट में भी उनको ड्रिंक लेते हुए देखा गया है। दोस्तों चौथे नंबर पे आते हैं ईशांत शर्मा। जी हाँ, ईशांत शर्मा 2015 साल में एक ऑफ फील्ड कॉन्ट्रोवर्सी में जुड़ गए थे। सिडनी में इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान वे रुके हुए थे और वहाँ पर एक नाइट क्लब में पार्टी के दौरान वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे। और ये जो पिक्चर था ये पिक्चर तब सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था और यहाँ तक कि उन्हें शोकॉज भी किया गया था। और उन्होंने एक बयान में कहा, मैं ये हैबिट धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद इस लिस्ट में आते हैं भारत के कप्तान विराट कोहली। विराट कोहली पहले के दिनों में ड्रिंकिंग करते थे और ये जो आदत था ये उनके जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस पे बहुत असर भी छोड़ रहा था। तो इसके बाद आईपीएल 2012 में उनका कुछ पिक्चर लीक आउट हो गया था और बाद में वो अपने आप को सुधरने के लिए अपना पूरा फूड हैबिट ही चेंज कर दिए थे और अभी वो ये सबसे बहुत दूर है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, और कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि ऐसे ड्रिंकिंग और स्मोकिंग में आदत रखते हैं या फिर रख चुके हैं? तो दोस्तों आपको ये सब पता था या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार आएगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।